अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम गैल्वेनिक सेल को डिस्कस कर चुके हैं। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम था वोल्टिक सेल। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, वो ये शॉर्ट क्वेश्चन है वोल्टिक सेल इज़ रिवर्सिबल सेल। मतलब जो वोल्टिक सेल है ये रिवर्सिबल सेल है, इसका मतलब क्या है ज़रा गौर कीजिएगा। लास्ट हमने वोल्टिक सेल को पढ़ा जिसमें हमने कहा था जी दो बीकर होते हैं, ये हमारे पास दो बीकर आ गए। एक में हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला होता है, एक में किसका सोल्यूशन डाला हुआ है कॉपर सल्फेट का, और एक में हमने सोल्यूशन डाला हुआ है जिंक सल्फेट का। इस साइड पे जिंक की एक पत्री लेके इसमें डाली हुई है और इस साइड पे एक कॉपर की पत्री डाली हुई है, और इन दोनों को बाहर वोल्ट मीटर से जोड़ा हुआ है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए एक साल्ट ब्रिज। यहाँ पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल की हमने? एक साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया। तो ये जी हमारे पास वोल्टिक सेल। और लास्ट में हमने जो कहा था बच्चे, यहाँ पे जिंक क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन देता है और ZN प्लस टू बना देता है, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। यही दो इलेक्ट्रॉन इस साइड पर जाते हैं कॉपर प्लस टू, दो इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर में बदल जाता है। यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर जिंक वाली साइड थी ये एक्ट कर रही थी एज एनोड, और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, और ये वाली चीज काम कर रही है एज कैथोड। किसके तौर पर काम कर रही है? कैथोड के तौर पर। अब सवाल ये है कि आपने ये साबित करना है कि जो वोल्टिक सेल है ये रिवर्सिबल सेल है, मतलब ये जो रिएक्शन होते हैं हो रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये काम रिवर्स भी हो सकता है, उल्ट भी हो सकता है। कहता हम बिल्कुल हम रिवर्स कर सकते हैं। आपका जो बैटरी है मोबाइल के अंदर डाली जाती है ये रिवर्सिबल सेल है, मतलब आप इसको फुल चार्ज कर लो, इसको यूज़ करो, ये डिस्चार्ज हो रहा होता है, मतलब आप इसमें से करंट निकाल रहे हो। जब बैटरी ख़त्म हो जाती है दोबारा चार्जिंग के साथ लगाते हो, दोबारा करंट फुल हो जाता है। ये भी रिवर्सिबल सेल है, जो बैटरी मोबाइल के अंदर यूज़ की जाती है ये रिवर्सिबल सेल है। सेम आपने ये साबित करना है कि ये भी रिवर्सिबल सेल है, मतलब यहाँ पे हमने करंट पैदा किया, अगर हम करंट यहाँ से ये वाली चीज़ जो करंट इस्तेमाल करें इसको उतार के हम बैटरी लगाएं तो इसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं, ये साबित करना है। तो पहली बात हम यहाँ पर यही लिखेंगे, अगर हम एक्सटर्नल सर्किट को रिप्लेस कर दे एक बैटरी के साथ, किसके साथ? व्हेन एक्सटर्नल सर्किट, व्हेन एक्सटर्नल सर्किट ऑफ वोल्टिक सेल इज रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी और अ करंट सोर्स। यहाँ बैटरी से रिप्लेस कर दो या फिर करंट वगैरह, जहाँ करंट देना है बैटरी इस्तेमाल करनी, कोई ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करो जो करंट दे रही हो। तो नेक्स्ट क्या होता है? करंट सोर्स, देन द वोल्टिक सेल बिकम रिवर्स। जो वोल्टिक सेल होगा ये रिवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। फॉलोइंग रिएक्शंस अक्कर। अब इसमें पता क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे बैटरी लगाते हो तो ये वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, ये इस साइड पे चल जाएगा और ये वाला इस साइड पे चल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था लेकिन यहां पे जिंक आयन इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देंगे, जिंक आयन दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे ZN में, और कॉपर दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कॉपर प्लस टू में चेंज होगा, साथ में दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे। मतलब जो कल हमने रिएक्शन देखा था उसको बिल्कुल रिवर्स हो गया, उसमें यह था कि जिंक इलेक्ट्रॉन निकालता था और कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता था, यहां पर कॉपर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और जिंक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, काम रिवर्स हो गया। अब देखो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, तो क्या नाम दे रहे होते हैं रिडक्शन का, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज
ऑक्सीडेशन मतलब ऊपर रिडक्शन हुई है नीचे ऑक्सीडेशन हुई है, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है। मतलब अगर कल वाली बात की जाए तो कल जिंक वाला कैथोड एनोड के तौर पे काम कर रहा था और ये वाला कैथोड के तौर पे काम बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। यहाँ पे द ओवरऑल रिएक्शन विल बी द ओवरऑल रिएक्शन विल बी ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये होगा। आप एरो लगाओ, दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बाकी जो चीज़ बचेगी वो Zn प्लस टू प्लस सी यू इज कन्वर्टेड इंटू सी यू प्लस टू प्लस Zn। इन अबव रिएक्शन जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड, जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड, जिंक इलेक्ट्रोड कैथोड के तौर पर काम करता है एंड कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ एनोड, और कॉपर एनोड के तौर पर काम कर रहा था। सो द रिएक्शन बिकम रिवर्स रिएक्शन यहां पर रिवर्स हो जाएंगे। दैट्स वाई इसी वजह से वोल्टिक सेल इज अ रिवर्सिबल सेल, वोल्टिक सेल रिवर्सिबल सेल है। ये वजह दो नंबर के लिए आएगा तो कम से कम आपको इतना लिखना होगा। अगर कल वाला आपको रिएक्शन याद है बिल्कुल रिवर्स कर दो, उसमें जिंक ये वाला रिएक्शन इस तरह था, जिंक Zn प्लस टू में बदल देता था और साथ में दो इलेक्ट्रॉन निकल देते हैं, लेकिन यहाँ पे Zn प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन लेता है, जिंक में बदल रहा है, और ये वाला भी रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स था, सही है। और ये कब का काम है, जब चार्ज करते हो, मतलब यहाँ से आपने बल्ब वगैरह लगाया होगा छोटा सा, उसको उतारो, उसकी जगह पे आप यहाँ पे चार्जिंग कोई बैटरी वगैरह लगा दो तो आपका वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी देख लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।